नमस्कार सबको, कैसे आप? सब आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और उनका तो बहुत ध्यान रख रहे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आप देख रहे हैं सुमी के साथ सुमी का चैनल, जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग विद सुमी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलता है 3-in-1 एक्सपीरियंस। आई नो कि मैं अभी तो कुछ भी एक्सपीरियंस अच्छा वाला आपको दे ही नहीं पा रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ। और तीज के बाद ना दर्शन इतना कंसिस्टेंटली बीमार पड़ा है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना बिजी हो गई थी। मतलब मेरे पास ऐसा होता था ना कि रात के 2-3 कब बज जा रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं होता था। फिर नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस भी जाना होता था, कॉलेज भी जाना होता था, बिकॉज मेरी ऑलरेडी इतनी सारी छुट्टियां हैं। तो अगर मैं बहुत और ज़्यादा लैग करूँगी, हो सकता है आई विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद माय विद द सिलेबस, एंड मैं नहीं चाहती कि बच्चों को मेरी वजह से कोई भी दिक्कत हो। तो इसीलिए ना मैं बिल्कुल भी मतलब शॉर्ट्स भी मैं कोशिश कर रही थी बनाना के, तो भी नहीं हो पा रहा था। कितने सारे पार्सल मेरे आके ऐसे ही रुके हुए थे, कितने सारे पार्सल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने रिसीव तक नहीं किया है। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। चलिए जो भी है, आई विल ट्राई कि मैं बना सकूँ। आज ये थर्सडे को शूट कर रही हूँ मैं, डालूंगी मैं इस सैटरडे में। आई थिंक आप तक पहुँच गया होगा मेरा ये मेरा हॉल। बहुत सारे मीशो से मैं बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शंस लेकर आई हूँ मैं, और सबसे पहला कलेक्शन है मेरी ये वाली साड़ी जो मैंने पहन रखी है। इसका आप अगर ट्राई ऑन देखोगे ना, इतना ब्यूटीफुल साड़ी है ये, डोला सिल्क की साड़ी है, रेड कलर का इसमें बॉर्डर बनाया गया हुआ है। एंड इसकी जो ब्लाउज़ है ना, वो भी बहुत ही अलग पैटर्न की, उसकी मैं अलग से फ़ोटो लगा दूंगी साइड में। एंड कलमाकारी भी आप बोल सकते हो, बिकॉज इसमें जो प्रिंट है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंट किया गया है। छोटे छोटे सीक्वेंस का काम भी किया गया है पूरी की पूरी साड़ी में। तो इसका जो ब्लाउज़ है वो तो तैयार नहीं हुआ है, तो इसको मैंने तैयार किया ये ब्लैक कलर का सीक्वेंस ब्लाउज़ के साथ, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किया है। सबकी बाइंग लिंक आपको मेरे विश लिंक के जरूर से मिल जाएगा, तो आप सभी को देख सकते हैं इनमें। तो जल्दी से शुरू करते हैं बाकी कलेक्शंस जो मैं लेकर आई हूँ दूसरे नंबर से। ओके, आज का जो कलेक्शन है वो एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स्ड कलेक्शन होने वाला है। इसमें साड़ीज़ भी है, इसमें सूट्स भी है, इसमें पार्टी वेयर ड्रेस भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं इस कॉटन के कुर्ते के साथ, कुर्ता शरारा सेट के साथ। मुझे पिक में इस तरीके से दिखाया गया था, इसको मैंने खोला भी नहीं है अभी तक। आई डोंट नो कैसा आया होगा। आई थिंक मुझे 527 रुपीज़ का आई गेस, मुझे पिछले दिन याद नहीं है। मैं इसका फिर भी डिस्क्रिप्शन बार और यहाँ पे ज़रूर से लगा दूँगी, एंड मेरा अमेजन फ्रेश सामान आ गया। ओके, सो ये है प्योर कॉटन का सेट है, तो मुझे लगा गर्मियों के लिए बहुत ही नीडेड हो गई। इस तरीके से इसमें बहुत ब्यूटीफुल गोटा पट्टी का वर्क किया गया है। और सिंपल है बट बहुत प्यारा सा लग रहा था फोटो में देखने के लिए। फुल हैंड का है ये इस तरीके से, एंड ये नीचे से इस तरीके से फ्रॉक टाइप का है। तो आप इसको मतलब वन पीस बना के भी अगर आप पहनते हो, शॉर्ट वन पीस, तब भी आप पहन सकते हो उसको। आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो। तो उसका जो नीचे भी इस तरीके से गोटा पट्टी का वर्क किया गया है, और हैंड्स में भी इस तरीके से गोटा पट्टी का वर्क है। इसका जो ऑरेंज भी है ना, वो बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज है। ओके, और ये है इसका शरारा। ट्राउन में आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा, फ्लेयर आपको देख के पता लग रहा होगा कि 500 के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा फ्लेयर दिया हुआ है इसमें। और ये है इसका दुपट्टा, तो जल्दी से करते हैं इसको ट्राई ऑन। उसके बाद जो है वो भी एक कुर्ता सेट है, कॉटन का ही है, बिकॉज गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। आपको मेरे मुँह पर पसीना भी दिख रहा होगा, क्योंकि मैं हॉल में शूट कर रही हूँ और हमारे हॉल में एसी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और बाकी रूमों की ऐसी हालत दर्शन रखता नहीं है कि मैं वहाँ पे शूट कर सकूँ। वट एवर, ये मुझे फ़ोटो में इस तरीके से दिखाया गया था, और जल्दी से देखते हैं कैसा है। आपके सामने ही इसको अनबॉक्स भी कर रही हूँ। मैंने खोला कोई सा भी पीस नहीं, आई थिंक एक दो मैंने खोल दिया है इसमें से, बट ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इनको खोल खोल के भी चेक कर सकूँ। ओके, सो और मैंने जितना भी मंगाया है सब मैंने अपने लिए साइज़ एल मंगाया है। चेस्ट एरिया से मुझे परफेक्ट आता है, बट बॉडी वाइज मेरे को तो उसे लूज़ होता है। तो प्लीज़ अपने चेस्ट एरिया का मेजरमेंट्स देखकर, बॉडी का मेजरमेंट्स देखकर अपने साइजेस का प्रेफरेंसेस कीजिए। तो ये है ग्रीन एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन में कुर्ता प्लाजो का सेट। फोटो में ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ाइंड ऐसा वाला नहीं है, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था ये सिंपल सा देखने में। सो सबसे पहले इस कुर्ते को देखते हैं। तो कुर्ते की बात करें तो कुर्ता इस तरीके से सिंपल सा बहुत प्यारा पैटर्न में बनाया गया है, बट इसका जो प्राइस है ना, आई थिंक ये मैंने इसके लिए 600 कुछ रुपीज़ पे किया, तो विच इज़ क्वाइट प्राइजी अगर आप मीशो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बट प्योर कॉटन का सेट है,
लॉन्ग कुर्ता है, ए लाइन कुर्ता है इसका। उसके बाद इसकी दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा इसको इसको दुपट्टे को इसको थोड़ा सा फैंसी बनाया है इन्होंने। फैंसी बनाने के लिए इस तरीके से इन्होंने वाइट कलर के टैसल्स लगाए हैं इसमें, एंड दुपट्टे का पूरा प्रिंट रेड कलर का दिया है और एंड में बॉर्डर्स ये ग्रीन कलर का दिया है। जब मैं उसको लूँगी तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा किस तरीके का है। एंड ये जो इसका ट्राउज़र टाइप का पैंट दिया गया है जिसमें इलास्टिकेटेड पैटर्न का है। आई लेट मी सी इसमें पॉकेट है या नहीं है, आई डोंट नो, नहीं इसमें पॉकेट भी नहीं है। बट एज ए होल अगर आप प्रिंट की बात करें एंड कपड़े की बात करें तो यू कैन गो विद दिस इफ़ यू वांट, कि आप मतलब 630 रुपीज़ आप स्पेयर कर सकते हैं तो यू कैन गो विद दिस। उसके बाद जो है ना वो मैं ये पार्टी वेयर ड्रेस शेयर करना चाहूँगी। मेरे को फोटो में ये इस तरीके से दिखाया गया था एंड आई डोंट नो कि ये कैसा आया होगा बिकॉज फ़ोटो में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड आई डोंट नो कि मैं कैसी लगूँगी इसमें। पता नहीं इसका साइज़ मेरे को आएगा भी कि नहीं आएगा, बट आई थिंक ये कुछ फ्री साइज़ का दिया हुआ था, इसमें कोई साइज़ ऑप्शंस नहीं थे सेलेक्ट करने के लिए। तो फोटो में इस तरीके से दिखाया गया था और मुझे आया है ऐसे। अब ये मुझे नहीं पता ये ब्लाउज है या क्या है, लेट्स सी इसको ओपन करके क्या है। अगर ये अच्छा रहा ना तो अभी रिसेंट आई हैव टू अटेंड अ पार्टी, सो अगर ये अच्छा रहा तो आई गो विद दिस ओनली। अगर ये मेरे को सूट किया, अगर ये मेरे को आ गया, बट भाई साहब ये खुलता कहाँ से है। पर्पल कलर का है, ये कलर बहुत ही प्यारा है। लेट्स सी कि कपड़ा कैसा आया है इसका। ओके सो ये जो है ये इसका ब्लाउज है और ये इतना ब्यूटीफुल ब्लाउज है ना, पीछे से इस तरीके से है हुक्स दिए गए हैं। इसमें स्पंज बहुत ही हल्का सा है बिकॉज ये 1000 रुपीज़ का है, तो उसका जो स्पंज की क्वालिटी है ना, पैड आई मीन स्पंज, आई एम सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो गई हूँ, जो पैड की जो क्वालिटी वो बहुत ही फाइन पैडिंग की गई है। जॉर्जेट का क्लॉथ है, गर्मी नहीं लगनी चाहिए आपको इसमें। एंड पीछे से इस तरीके से हुक्स दिए गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये पैटर्न। इसको ना वैसे भी किसी साड़ी के साथ पेयर अप करके पहन सकते हैं। सो ये इसका ब्लाउज है। उसके बाद ये क्या है, ये आई ओ माय गॉड, मुझे ये फटा मिला है बीच से। देखिए 1000 का सामान मंगाने के बाद ये एक्चुअली श्रग है ऊपर से, आई गेस ये फट, आई डोंट नो कि ये क्या है ये। हाँ ये थोड़ा सा आई हैव टू रेफर द इमेज, ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज ये फटा तो नहीं, ये हैंड्स, आई एम सॉरी ये फटा नहीं है, ये श्रग है। ये हैंड्स डालने के लिए दिया गया है, पहनने पर आपको समझ में आएगा। सेम वही डिज़ाइन दिया गया है, ये जो डिज़ाइन है ना ये पीछे की ओर आएगा और ये जो लटकन से लगाए गए ये आगे की ओर आएगा, पता नहीं, आई एम सॉरी। ओके सो ये श्रग है इसका और नीचे का जो प्लाजो है वो प्लाजो है या क्या है, ये स्कर्ट है, स्कर्ट टाइप का है, साड़ी टाइप का है। माई गॉड इज वेरी ब्यूटिफुल, माई गुडनेस। ये इस तरीके से यहाँ से प्लीट्स बनाए गए हैं, आप मॉडल को रेफर कर सकते हैं। एंड यहाँ से ये पूरा जिप्ड है, आप इसके अंदर नारा डाल सकते हैं इसको टाइट करने के लिए। और ये बेल्टेड पैटर्न में है बिकॉज ये फ्री साइज़ का है, तो आपको इसमें थोड़ा बहुत अपने साइज़ के हिसाब से इसको मेजरमेंट के, अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको स्टिच करवाना पड़ेगा। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लेट्स गो विद द ट्राई ऑन। उसके बाद मेरे पास 3 बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज़ हैं, बट आई एम वेरी सॉरी मैं इन तीनों साड़ी का आपको ट्राई ऑन करके नहीं दिखा सकती हूँ, बट आई विल टेल यू अबाउट ऑल द डिटेल्स विच आई एम गेटिंग। तो सबसे पहली जो साड़ी है वो ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है। ये मुझे आई थिंक 500 रुपीज़ का मिला था या 600 कुछ का मिला था, आई डोंट रिमेंबर, मैं स्क्रीन में लगा दूँगी। ये जो पूरी की पूरी साड़ी है ना वो एक सार सी साड़ी है, बहुत ही प्यारा है। इसका जो फैब्रिक है ना ऑर्गेन्जा है, बट आप जब इसको प्लीट्स बनाओगे ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगा बिकॉज़ ये बहुत हल्का वाला ऑर्गेन्जा है।
तो यू कैन गो विद दिस इफ़ यू लाइक फ्यूशिया पिंक कलर. इसमें बहुत सारे और कलर्स भी अवेलेबल हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी फ़ोटोज़, तो आप देख सकते हो उसको. तो ये पहली साड़ी है. उसके बाद जो मैंने मंगाया है वो है ये ब्यूटीफुल सी साड़ी. आई डोंट नो ये इतना मतलब इतने चीप रेट में मुझे कैसे मिल गया. आई मस्ट हैव बीन लकी टू गेट दिस साड़ी, बिकॉज ये साड़ी देखिए ये जो है ना, ये इसका बॉर्डर है इतना ब्यूटीफुल है ना. अगर आपको साड़ी पहनना आता है एंड इफ़ यू लव कांजीपुरम टाइप की साड़ी और बनारसी लुक की साड़ी एंड यू कान एफर्ड और यू डोंट वॉन्ट कि आई एम सॉरी इफ़ यू डोंट वॉन्ट कि आप इतना ज़्यादा स्पेंड करो साड़ी में, तो दिस इज़ अ मस्ट चॉइस. इतना प्यारा ऑरेंज कलर है ना इसका, ऑरेंज एंड मेहंदी ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन में. ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ आएगा, ये जो पार्ट है ये नीचे आएगा. बहुत 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 ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये साड़ी. माई गॉड आई एम इन लव विद दिस साड़ी. एक्चुअली आपको पता है मैं इसको क्यों नहीं खोल रही हूँ. आई हैव बाइड दिस फॉर गिफ्टिंग समबडी, सो इसलिए मैं इसको नहीं खोल रही हूँ क्योंकि खोलने पर इसका प्रेस ख़राब हो जाएगा. लेकिन ये बहुत 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 सुंदर है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, सो यू कैन गो विद दिस साड़ी ऑल्सो. उसके बाद जो मेरे पास साड़ी है वो फोटो में जिस तरीके से दिखाया गया था एंड आया भी बहुत ब्यूटीफुल है. ग्रीन एंड फुशिया पिंक के कलर के कॉम्बिनेशन में है. एक बॉटल ग्रीन और फुशिया पिंक का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत 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 ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. बट अगर मैं आपको कुछ एक बात बोलूँ तो इसका जो फैब्रिक है ना, वो ज़्यादा बेटर है देन बोथ द अदर फैब्रिक्स, बिकॉज वो भी सिल्क है ये भी सिल्क है, बट इसका जो सिल्क है ये बहुत ईजीली बन जाएगा. और जो ये वाली साड़ी है ऑरेंज वाली, इसका सिल्क को आपको थोड़ा सा प्रेसिंग करना पड़ेगा या जब पहनते वक्त आपको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा प्लीज को, तब जाके बहुत ब्यूटीफुल आएगा. ये भी पूरी की पूरी जो साड़ी है वो एक सार सी है, इस तरीके से है. ये जो है ये पल्लू का पार्ट आया हुआ है ग्रीन कलर, ग्रीन में पिंक ये जो आ रहा है ये पल्लू का पार्ट है. ये पूरी की पूरी साड़ी ये ग्रीन कलर की है. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. आई विश कि मैं इसको ट्राई कर सकती, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट ऑल्सो ओवर हियर एट माई होम एंड बस थर्सडे फ्राइडे उनका ऑफ होता है, तो बाकी दिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं शूट कर सकूँ. बिकॉज जब तक दर्शिल सोता नहीं है ना, इट इज़ ओनली मी जिसको दर्शिल को देखना पड़ता है. बिकॉज अनु का इतना ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है कि वो यहाँ से वहाँ भी नहीं कर सकता बेचारा. सो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इनको ट्रैवल करके दिखा सकूँ. ऑरेंज वाली साड़ी आई एम गिफ्टिंग समबडी, तो इसलिए मैं उसको ट्रैवल नहीं कर सक रही हूँ. बट आई होप कि ये पिंक वाली साड़ी और ये जो ग्रीन और पिंक वाली साड़ी है, इसको मैं बहुत जल्दी पहन कर किसी वीडियो में वीडियो शूट करूँ, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि ये साड़ी कैसी आई है. उसके बाद लास्ट में जो मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली वो है ये. इसको भी मैंने खोला नहीं है. ये क्या है ना, बहुत सारी साड़ियाँ हो गई हैं मेरे पास एंड जब जल्दीबाजी में मुझे पहनना होता है ना कभी साड़ी, तो मैं सारे बैग्स को निकालती हूँ. बिकॉज मेरे पास जो पहले बैग्स थे वो इस तरीके से थे, चारों तरफ से बैग, आगे से ही थोड़ा सा विजिबल होता था, बट वो मेरे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं हो रहा था. तो आई हैव प्लान कि मैं सारे बैग्स को चेंज करूँगी एंड आई हैव बॉट दिस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स प्लास्टिक बैग्स टू कीप माय साड़ी प्रॉपरली. सो अभी इसमें साइज तो दिखाया गया था कि ये लार्ज साइज के हैं, बट लेट मी सी कि इनमें कितनी साड़ियाँ आती है. आई विल श्योरली, ब्रेथ तो अच्छा खासा है, अगर आप अच्छे से फोल्ड करेंगे तो इसमें बहुत सारी साड़ियाँ आनी चाहिए. बट मैं किसी न किसी वीडियो में ज़रूर से इनका रिव्यू, जब भी मुझे टाइम मिलेगा कि मैं इनको अपने कबर्ड में सजा पाऊँ, तो मैं ज़रूर से सजा के आपको इनका रिव्यू बताऊँगी कि एक पैकेट्स में कितनी साड़ियाँ आ रही है, कैसे फोल्ड करने से कितनी साड़ियाँ आ रही है वो भी बताऊँगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज हॉल. आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा कलेक्शन. बताइएगा प्लीज़ मुझे कि इन सारी साड़ियों में, कुर्ता सेट्स में और पार्टी वेयर जो ड्रेस है उन सब में से आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ शो सम लव, शेयर माई चैनल विद माई फ्रेंड्स योर फैमिलीज. बहुत 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 सारा प्यार दीजिए. देखते समय अगर आप ऑन गोइंग व्यूअर है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बिकॉज हम इन्फ्लुएंसर्स ना, जो स्टार्टअप इन्फ्लुएंसर्स है वो बहुत 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 मेहनत करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है ना कि मतलब हम कोई चीज़ है ना वो पहले ही दिखा चुके होते हैं, लेकिन हमारा वीडियो इतना पॉपुलर नहीं होता बिकॉज सब्सक्राइबर्स नहीं होते हमारे इतने. वो जो वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स है वो बाद में दिखाते हैं, फिर भी उनके वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा हर्टिंग होता है. तो प्लीज़ इस सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे लगेंगे या कुछ लगेगा, तो प्लीज़ ये सब्सक्रिप्शन बटन दबा दीजिएगा. ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसमें भी सारी चीज़ों का रील्स आपको मिल जाएगा. रिसेंटली अभी मैंने ना एक लिप लाइनर्स का सेट बाई किया है फ्रॉम मीशो, उसका भी इसमें रील आया हुआ है. प्लीज़ टू चेक आउट दैट एंड अनटिल दैट अपना बहुत 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 ध्यान रखिए. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ. बींग जेन्युइन जनरल पब्लिक,
अभी कोलकाता में जो केस हुआ है उसके बारे में आप सभी को पता होगा, इट इज़ वर्ल्ड वाइड में पता हो गया है, इतनी घिनौनी हरकत हुई है. सो आई बीइंग ऑन द सेम प्रोफेशन रेज माई वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड वॉन्ट द जस्टिस फॉर डॉक्टर ममिता, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर ममिता, जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, जितनी भी औरतों के साथ ऐसा हुआ है, उन सभी के लिए आई डिमांड जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर आई होप कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है एंड आप इसको पहुंचाएंगे आगे, अगर आप मेरी बात को एग्री करते हैं तो प्लीज़ जस्टिस चाहिए हमें उनके लिए, और जितनी भी औरतों का अभी तक रेप हुआ है उन सभी के लिए जस्टिस चाहिए, और हमें इस तरीके का जस्टिस चाहिए, इस तरीके का पनिशमेंट चाहिए ताकि आगे जितनी भी औरतें हों वो सेफ़ रहे. एंड इस बार जब कॉलेज में 15 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा था तो इट वॉज समवेयर वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस ऑल. हमने कॉलेज में भी कुछ प्रोटेस्ट वोटेस्ट किया था बिकॉज वी आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम फील्ड, बट आई होप कि हमारे प्रोटेस्ट, हमारी जो आवाज़ है ये गवर्नमेंट तक पहुँचे, कोई एक्शन हो. अगर आप मेरी बात से सहमत होते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने लोगों तक पहुँचाइए. आप लोग खुद भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप लोग खुद भी आवाज़ अपनी उठा सकते हैं, बिकॉज 2011 में निर्भया थी, अब 2024 में डॉक्टर ममिता है, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है. आई विश टू गॉड कि किसी भी औरत को ऐसा कोई भी दिन, किसी भी फीमेल को, चाहे वो एक लड़की हो, बिकॉज 3 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है हमारे इंडिया में, एक 80 साल की बुढ़िया भी सेफ नहीं है, अम्मा भी हमारे स्टेट में सेफ नहीं है, और औरतें और लेडीज़ और फीमेल जो टीनेजर्स है वो भी सेफ नहीं है. तो आई विश कि भगवान ऐसा दिन किसी भी फीमेल की लाइफ में ना आने दे, बट अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी उन सारे कल्प्रिट्स के खिलाफ. एक कल्प्रिट तो था नहीं इसमें, इट इज़ फॉर श्योर. सो हम चाहेंगे कि जितने भी कल्प्रिट्स थे, जितने इतना टॉर्चरस मर्डर प्लस रेप किया है डॉक्टर ममिता को, उनको ऐसा सबक मिले कि आगे ना कोई अगर किसी औरत को गंदी नज़र से देखने को भी डरे. सो अगर आप इसको मानते हैं, सहमत हैं मेरी बातों से, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ आगे बढ़ाइए. आप सब भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने आज आवाज़ नहीं उठाई तो फिर बहुत देर हो जाएगी. अनटिल देन, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.